खबरों की भीड़ से आपके लिए निकाल कर हम लाए हैं ऐसी खबरें जो है सबसे अलग, बिल्कुल हटकर। आज शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की एक कहानी से। तारा प्रजापति नाम की इस महिला के जज्बे के आगे मर्दों की हिम्मत भी जवाब दे गई। यही महिला अपनी गोद में अपने एक साल के बच्चे को अपने पेट के आगे बांधकर ऑटो रिक्शा चलाती है। खास बात यह है कि अगर इस शहर में किसी से भी तारा प्रजापति के बारे में पूछा जाए तो वह एक ही जवाब देगा कि वह बहुत ही जज्बे वाली महिला है। वह अपने बच्चे को गोद में लेकर पूरे शहर में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करती हैं। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उसे ये काम करना पड़ता है। बच्चे के लिए वे पानी की बोतल के साथ खाने का भी सामान साथ रखती हैं। तारा 12वीं तक पढ़ी हैं। 10 साल पहले जब उनकी शादी हुई तो परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। किसी तरह से पति ने ऑटो चलाने का काम किया। परिवार की स्थिति सुधर सके इसके लिए तारा ने अपने पति का साथ दिया और खुद भी ऑटो चालक बन गई। तारा प्रजापति का कहना है कि वो बेहद ही गरीब परिवार से आती है और उनकी बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। पेट पालने के लिए ऑटो चलाना भी जरूरी है। परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, बच्चों की पढ़ाई और घर ठीक से चल सके इसके लिए ऑटो चलाना पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका में एक आदमखोर मगरमच्छ के शिकार के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। अफ्रीका के केप प्रांत में प्रजनन फार्म में मनुष्यों को खा जाने वाले मगरमच्छ के भाग जाने के बाद स्थानीय प्रशासन, पुलिस और अन्य एजेंसियां इसकी तलाश में जुटी हुई हैं। अफ्रीका में नील मगरमच्छ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। बीते बुधवार को कई नील मगरमच्छ बोनविले वाणिज्यिक प्रजनन फार्म से भाग निकले और ब्री नदी में चले गए। अब इन आदमखोर मगरमच्छों से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने इनके लिए तलाश अभियान शुरू कर दिया है। इन आदमखोर मगरमच्छों की लंबाई 1.2 मीटर से 1.5 मीटर तक होती है। अब तक 26 मगरमच्छों को इस अभियान के तहत पकड़ा जा चुका है। हालांकि नदी में आदमखोर मगरमच्छों की और कितनी संख्या है इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है, क्योंकि ये अभी टीम की पकड़ से दूर है। आकाश से धरती पर गिरने वाले उल्कापिंडों को इकट्ठा करके एक शख्स ने करोड़ों रुपए की कमाई कर ली है। 48 साल के इस शख्स का नाम है माइक फार्मर। अमेरिका के एरिजोना के रहने वाले माइक दुनिया भर में उल्कापिंड डीलर के रूप में मशहूर हो चुके हैं। माइक फार्मर उल्कापिंडों को एस्ट्रोनॉमर से लेकर बेहद अमीर लोगों को बेचा करते हैं, लेकिन उल्कापिंडों को जमा करना इतना आसान नहीं है। कई बार उल्कापिंडों की तलाश में माइक फार्मर को खतरा भी मोल लेना पड़ता है। माइक फार्मर उल्कापिंडों की खरीदारी भी करते हैं और फिर उचित दाम मिलने पर उन्हें बेच देते हैं। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट लोन के पैसे से उन्होंने सबसे पहले 1995 में पत्थर के कुछ टुकड़ों को खरीदा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।